हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी प्लाबिता। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी कैमिल का जो कॉपर रेड कलर है उससे मैं हेयर हाईलाइट करना दिखाऊंगी आप लोगों को। जो ये हाई कलर है उसमें आप लोगों को एक क्रीम और एक डेवलपर मिलेगा, जिसको हमको इक्वल अमाउंट पर लेना है और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और जो ये मिक्सिंग का प्रोसेस है वो आप लोग को बहुत अच्छी तरह करना है, तभी आप लोगों का कलर अच्छा आएगा। ये देखिए मैं कितनी अच्छी तरह से उसको कलर को मिक्स कर रही हूँ। आशा करती हूँ मेरा आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। मेरी जो आज क्लाइंट है उनकी हेयर स्टेप कटिंग है पर है, और वो चाहते हैं कि उनके नीचे बालों की जो स्टेप्स के नीचे की पोर्शन है वो मैं हाईलाइट करूँ। तो ये देखिए मैंने पहले क्या क्या है उनकी हेयर को ना सेक्शनिंग कर लिया है पहले। तो क्या होता है, हेयर अच्छी तरह से हर एक बाल पर अच्छी तरह से हेयर लग जाता है। आप लोग एक साथ भी कर सकते हैं, नीचे की जो सेक्शन है उनको सारी एक साथ लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने नीचे की सेक्शन कर फिर दो पोर्शन में सेपरेट करके फिर उन पर अच्छी तरह से, ये देखिए मैं कलर जो फॉइल पेपर है उसकी मदद से मैं कलर कर रही हूँ और ये मेरा एक सेक्शन कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से आप लोग फॉइल पेपर की मदद से अच्छी तरह से कलर को मिक्स कीजिए, सॉरी कलर को हेयर पर लगाइए। और ये देखिए मैंने जो दूसरी हेयर का जो दूसरी पार्ट है उधर में आ रही हूँ, उधर में कलर लगा रही हूँ। आप लोग बस एक बात ध्यान में रखिए कि बालों में अच्छी तरह से कलर लग जाए, और तभी क्या होता है कि अच्छी तरह से हर एक हेयर पर कलर आता है। आप लोग देखेंगे फाइनली बहुत ही एक ब्यूटीफुल हेयर का उनका हाइलाइटिंग का लुक आया था। और इस तरह से मैं सेक्शन बना बना के उनकी हेयर पर, ज़्यादा सेक्शन नहीं, मैंने ना 3 सेक्शन करके उनकी हेयर पर कलर लगाया था। ये देखिए अभी मैं उनकी जो सेकंड पोर्शन है से वो ले रही हूँ, उस पर फिर मैं अच्छी तरह से कलर को लगाऊंगी और लगाऊंगी। ये देखिए मैं अच्छी तरह से फॉइल पेपर के ऊपर हेयर को लेके ना अच्छी तरह से जिस पोर्शन पे वो हाइलाइटिंग करना चाहते हैं उस पोर्शन पे मैं कलर लगा रही हूँ।
और ये देखिए मैंने जो हाइलाइटिंग का प्रोसेस है, जो कलरिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर ली है। मैंने हर एक हेयर को अच्छी तरह से कलर लगा दी है और इसी तरह से आप लोग कलर लगाइए। फिर ये देखिए हाफ एन आवर तक ये कलर रखना पड़ता है। आप लोग थोड़ी देर ज़्यादा भी रख सकते हैं, पहले आप लोग चेक कीजिएगा कि कलर अच्छी तरह से बालों पे आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो और थोड़ी देर आप लोग रख सकते हैं। अगर आप लोग की मिक्सिंग ठीक हो और अच्छी तरह से आप कलर तो जल्दी ही हेयर का कलर फाइनल लुक कितना अच्छा आया था। आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। बाय।